नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों विटामिन D3 क्या है, उसकी कमी से शरीर में क्या दुष्परिणाम होते हैं, कब उन्हें लेना चाहिए इत्यादि, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब आपको ज़रूरत पड़ चुकी है विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने की, मतलब डॉक्टर की सलाह से अब आपको विटामिन D3 सप्लीमेंट खाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको कौन सा विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना चाहिए और परचेस करते वक्त क्या चेक करना चाहिए। लेट्स बिगिन। तो दवाओं की दुनिया में USFDA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है। हर दवा निर्माता कंपनी को USFDA से पंजीयन कराना बेहद अनिवार्य है ताकि दवाओं का सुरक्षा पूर्वक निर्माण, आयात और निर्यात हो सके। USFDA समय समय पर इन कंपनियों का इंस्पेक्शन करके दवाओं की गुणवत्ता को चेक करता रहता है और इसीलिए USFDA के हिसाब से ही दवा निर्माता कंपनी को अपने उत्पादों और प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो USFDA के अंतर्गत नहीं आते, मतलब ये कि ऐसे वो प्रोडक्ट्स जिनका प्रयोग करने से कोई भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट, किसी भी तरह का थेरापेटिक क्रिटिकल इफेक्ट नहीं होता। तो अब USFDA के अंतर्गत ना आने का मतलब यह है कि कंपनी उसे अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकती है, किसी भी प्रकार की सामग्री मिला सकती है। और इस तरह की सूची में विशेष तौर पे आते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट मतलब जिन्हें अपने हिसाब से अगर आपने थोड़ा ऊपर नीचे ले भी लिया तो आपको कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और इन्हीं सप्लीमेंट्स में से एक है विटामिन D3। विटामिन D3 सप्लीमेंट बनाने के लिए कंपनीज प्राकृतिक स्रोतों का ही इस्तेमाल करती है, जैसे कि यीस्ट यानी कि खमीर, मछली का तेल लैनोलिन जो कि भेड़ के बालों में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, एल्गी का तेल इत्यादि। लेकिन हर कंपनी इन प्रोडक्ट्स का, इन स्रोतों का प्योरेस्ट फॉर्म मतलब पूर्णतः शुद्ध वाले रॉ फॉर्म का प्रयोग नहीं करती। अब आप इसको ऐसे समझिए कि विटामिन D3 सप्लीमेंट्स मार्केट में लगभग सभी रूपों में मौजूद है, जैसे कि पाउडर, लिक्विड, स्प्रे, कैप्सूल्स इत्यादि। इन सभी में कैप्सूल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब कैप्सूल्स में विटामिन D3 मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कॉर्न ऑयल या फिर कोई सोयाबीन ऑयल या वेजिटेबल ऑयल कोई मिला दे तो किसको पता चलेगा। और वैसे भी ओरिजिनल विटामिन D3 सप्लीमेंट्स के इफेक्ट को आने में समय भी लगता है, इसलिए जब कभी भी आप विटामिन D3 सप्लीमेंट मार्केट से परचेस करें तो पैकिंग के ऊपर USP का मार्क जरूर चेक करें। USP मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, क्योंकि अगर ये मार्क नहीं होगा तो विटामिन D3 मेन कंटेंट के साथ साथ जो सॉफ्ट जेल है, मतलब जिस कैप्सूल शेल के अंदर वो विटामिन D3 बना हुआ है, उसमें तक मिलावट हो जाती है। दूसरी बात कि विटामिन D3 सप्लीमेंट एनिमल सोर्स यानी कि नॉन वेजिटेरियन स्रोत से ही आता है, इसलिए जो लोग वीगन फ्रेंडली हैं, हाईली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो वो लोग विटामिन D2 जिसे अर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेस फॉर एग्जांपल मशरूम प्लांट से भी बनता है। और तीसरी बात कि विटामिन D3 सप्लीमेंट्स में यूसेज के हिसाब से तो कैप्सूल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और पॉपुलर है, लेकिन इफेक्ट के नज़रिए से देखें तो सब लिंगुअली रखने वाली गोली यानी कि जीभ के नीचे रखने वाली गोली या च्यूएबल फॉर्म सबसे इफेक्टिव होता है। उसका कारण ये होता है कि सब लिंगुअल फॉर्म में जो हमारी रक्त वाहिका यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उससे डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होकर के सप्लीमेंट जो है हमारे डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम गोली को खाएंगे तो वो एलिमेंट्री कनाल यानी कि हमारे स्टमक में जाएगी और पेट और उदर में मौजूद विभिन्न प्रकार के अम्ल, ये सब का उसे सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन होगा और टाइम लगेगा। इसीलिए परचेजिंग में सब लिंगुअल च्यूएबल फॉर्म सबसे बेस्ट है। अब मैं तीनों ही फॉर्म को एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, USP का मार्क आप चेक करें। वेजिटेरियन है तो विटामिन D2 इस्तेमाल कर सकते हैं, D3 को लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और नंबर 3, च्यूएबल या सब लिंगुअल फॉर्म सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों ये था विटामिन D3 के ऊपर एक क्विक वीडियो। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।